Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने बाहर फेंक दिया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने साथ ले लेंगे, तो वहीं उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि हम कभी भी भाजपा में नहीं जाएंगे। जिसके बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद का जो बयान आया था, उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर के इंतजार पर पानी फिर गया और उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर की बौखलाहट फिर से मायावती को लेकर भी सामने आने लगी है। दरअसल बात करें तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर तंज कस दिया है। हाल ही में आकाश आनंद ने बीएसपी और राजभर पार्टी के गठबंधन से इंकार किया था और बिना नाम लिए सुभाषपा के चीफ जो ओम प्रकाश राजभर है उन पर निशाना साधा था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने आकाश आनंद पर भी हमला बोला। ओपी राजभर ने कहा कि ईडी ने जब उनसे दो दिन तक पूछताछ की थी तब सबने जाना कि वो कौन है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान तरह से दिए जताने की कोशिश की कि आकाश आनंद को कोई भी नहीं जानता है। मायावती के भतीजे पर राजभर का निशाना। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये चिड़िया कौन सी है, इस चिड़िया का तो तब जाना नाम जब ईडी दो दिनों तक बैठा कर पूछताछ कर रही थी। बीएसपी की मालिक मायावती हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, लेकिन आकाश आनंद को लेकर उन्होंने कहा कि आखिरकार ये कौन सी चिड़िया है। किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करेगी सुभाषपा। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी का गठबंधन बीएसपी से होना चाहिए, जिसके बाद बीएसपी की तरफ से मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा था कि सुभाषपा से गठबंधन नहीं होगा। इसी के बाद ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया था और राजभर ने कहा कि 2024 का चुनाव किसी बड़े दल के साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि उनकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। आकाश आनंद ने कहा था कि कुछ लोग बीएसपी मुखिया मायावती के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। जान लें कि उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव राजभर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। यूपी में उनकी पार्टी के 6 विधायक हैं। वहीं साल 2017 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और 2024 के चुनाव में वो किसके साथ रहेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है और आकाश आनंद पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।